लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब ओबीसी आरक्षण भी रद्द हो गया है। इसमें नाकाम हुई उद्धव सरकार जहां बैकफुट पर आ गई है, वहीं बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी नेताओं ने नई मुंबई के एपीएमसी में गोलमेज परिषद आयोजित की और ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गोलमेज परिषद में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, पूर्व सीएम नारायण राणे, बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाल और नरेंद्र पाटिल ने मुद्दे पर संबोधित किया और सड़क पर उतरकर ओबीसी और मराठा समाज को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मराठा आरक्षण देने में विफलता के बाद बैकफुट पर आई महाविकास आघाड़ी सरकार अब ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर घिर गई है। आज नई मुंबई में आयोजित गोलमेज परिषद में बीजेपी नेता नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मुद्दे पर उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, नरेंद्र पाटिल समेत तमाम नेता मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को न तो मराठा समाज की चिंता है, न ही ओबी समाज को उसे न्याय दिलाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी पिछड़े और मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए पूरे राज्य में सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। 26 जून को चक्का जाम से इसकी शुरुआत होने वाली है। आइए सुनाते हैं बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ कहा। आज के गोलमेज परिषद में काफी आउटपुट निकला है कि आज हमारे सुरेश पाटिल साहब ने और नरेंद्र पाटिल ने जो परिषद बुलाई उसमें 42 संगठन के लीडर उपस्थित थे। उनका इस गोलमेज परिषद को सपोर्ट था। इसका मतलब 42 संगठन आज मराठा समाज की एक संघ हुई है, एक जगह आई है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। फ्यूचर में बाकी की भी संगठन जो भी है वो भी इनके नीचे आएगी या इनके साथ आएगी और एक ही संगठन जो रहेगी वो जो सरकार के साथ मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन या किसी बात पे बात करने के लिए एक ही संगठन बात करेंगे, आंदोलन एक ही संगठन करेंगे। अभी मूक आंदोलन नहीं करेंगे, डिसाइड किया हमने, और मूक आंदोलन होगा तो हम जाएंगे नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है मूक बिक ने, मुँह से बोलो और नहीं तो हाथ से बोलो। हमारा जो आरक्षण 52% के ऊपर आरक्षण देने का अधिकार जो हमारे घटना ने 15/4/16/4 ने दिया है उसके मुताबिक ही हम आरक्षण मांग रहे हैं। वो कानूनी व्यवस्था के मुताबिक राज्य सरकार को अधिकार है। मला वाटतं सरकार या ठिकाणी भांबावलेला आहे, दबावाला 3 पक्षाचं सरकार, वेगवेगळ्या विषयांवर मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी निर्णय घेत नाहीत। मला वाटतं समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे आणि ती जर अराजकता समाजामध्ये झाली तर सर्वस्वी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची राज्य सरकारची राहील। त्याच्यामुळे मराठा समाज असेल, ओबीसी समाज असेल किंवा एससी समाज यांच्यामध्ये नीट समन्वय साधत प्रत्येकाचं आरक्षण अबाधित ठेवत या ठिकाणी मराठी समाजाला न्याय देण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून त्यांची त्या ठिकाणी आहे। आणि त्याच्यामुळं कधी ॲफिडेव्हिट देतात, कधी ॲफिडेव्हिट काढतात, कोर्ट सांगतं त्या उत्तर देत नाहीत आणि केवळ निष्काळजीपणा
नाकर्तेपणा यामुळं आज या ठिकाणी सामाजिक या ठिकाणची समरसता धोक्यात आलेली आहे, सामाजिक संतुलन बिघडलंय, त्याला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया.